PUBG Mobile. आंटी जी नहीं बैठा हुआ था, नहीं We will be taking off soon. Be prepared. चलो आज हम अपने पहले मैच के अंदर आ चुके हैं। आज से हमारा पॉइंट टेबल सिस्टम एकदम बढ़िया तरीके से काम करना शुरू कर चुका है। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो थोड़ा बता दो मुझे, मुझे पता तो चले। हमारी पहली टीम एफजे की टीम यहाँ पे मिल्टा की ओर जाती हुई, यहाँ पे हमारी एक नई टीम मुझे आई थिंक देखने मिला आरटीडब्ल्यू की टीम मिल्टा से, अच्छा लिपोका की तरफ जाते हुए। टीएस आज हमारे राजदीप सर पे खेल रहे हैं फेथ की टीम के साथ में, और यहाँ पे सियरा की, यहाँ पे मिल्टा पावर के पास काफ़ी ज़्यादा टीम से उतरते हुए मुझे दिख रही हैं। अभी सभी टीम अपना ड्रॉप लेंगे क्योंकि ये ड्रॉप लोकेशन पे काफ़ी ऑकवर्ड से है, क्योंकि यहाँ पे जॉर्जियो के जाने के लिए, जॉर्जियो सिटी और इस साइड जाने के लिए आपको कार्स लेनी पड़ेंगी। कोचिंग के लिए आप ग्लाइड कर सकते हैं, बट स्कूल के लिए भी आपको कार लेनी पड़ेगी, यासना के लिए कार लेनी पड़ेगी यहाँ पे। तो अभी देखते हैं कौन कहाँ क्या करता है कैसे। यहाँ पे मिलिट्री आई थिंक एक ही स्क्वाड नहीं दो स्क्वाड गई, आई एन एच की स्क्वाड गई, और यहाँ पे साथ में टीम नंबर 12 गई है, इनकी गन फाइट हो चुकी है। ओके सेरा जाट ने यहाँ पे किसी को नॉक किया, मुझे देखना वो जाके जल्दी से। और यहाँ पे टीम नंबर 17-12 की फाइट हो चुकी है, थोड़े से दूर हैं अभी के लिए, बट ये बहुत जल्दी हमें फाइट देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जॉर्जियो सिटी कोई कोई गया नहीं। यहाँ पे कोचिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्कोर्स मुझे देखने को मिल रही हैं, टीम नंबर 25, 16, 11, और यहाँ पे ए फोर स्पाई के टीम के बंदे हैं जे पी को, यहाँ पे डीपी मिल चुकी है, डीकी विद एकेएम, भाई बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर ए रैंगल आई थिंक, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे हमारा जोन भी बन चुका है, आई थिंक जोन ग्लिच है क्या, ये पता नहीं अगर जोन ग्लिच है या नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मैप में कुछ ऐसा ही दिख रहा था। नो ये यासना से लेके एन बी डब्ल्यू के बंदे ने एच एक्स की टीम को यहाँ पे नो किया, धर्मा की टीम की फाइट हो चुकी है, इनको कोई गन उन कुछ मिली नहीं अच्छी तरीके से अभी। ओके एन को भी अब गन मिल चुकी है धर्मा के आर्यन को, और इनका एक बंदा नो को के फिनिश हो चुका है। यहाँ पे दो बंदे यहाँ लूट रहे हैं, आई थिंक तीन बंदे होने चाहिए आसपास में, ये स्प्लिट ड्रॉप के वो यूज कर रहे हैं। अरे बिग सैन फर्स थैंक यू भाई, आवाज आ रही वीर ये बता दो प्लीज। यहाँ पे मोली कर रहे कि कोशिश की गई, गन नहीं मिली टीम नंबर 12 के बंदे को, यहाँ पे कोशिश किया जाएगा आईएनवी के 100 की तरफ से। ओके हाँ भाई आ रही है आज आवाज, चलो ठीक है भाई। काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम क्लोज क्लोज में बंदे उतरे हैं, ज़्यादा कोई लॉन्ग फाइट अभी शुरुआत में ही ज़्यादा फाइट देखने को मुझे मिल रही है। देखते हैं कैसे कौन क्या है यहाँ पे एग्जीक्यूट करता है, और कौन यहाँ पे हमारा पहला मैच आज का जीतता है जो पॉइंट टेबल के हिसाब से जीतेगा। और यहाँ पे M762 मिल चुकी है, बट इन्होंने डीपी विद M4 रखने की सोची है, काफ़ी अच्छा। और यहाँ पे धर्मा आयरन का बहुत बढ़िया नेड, मुझे देखना है उनका नेड जाके जल्दी से। और यहाँ पे पिस्तौल से फिनिश किया गया है MW के प्राइम को धर्मा महाकाल ने, काफ़ी अच्छा गेम इनके और से अभी तक देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक बंदा इन्होंने खो भी दिया जो इनके लिए काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहेगा। क्लोज में टीम नंबर 9 के बंदे दूसरे भी हैं यहाँ पे, यहाँ हमें MW हमें देखने को मिल रहे हैं, हवेश हवेश जो भी नाम है आपका, सॉरी अगर अगर मैं गलत नाम लेता हूँ तो। यहाँ पे ओपी की टीम की फाइट आई थिंक हो चुकी है, यहाँ पे एक बंदा खोज के हैं ओपी के नाइट, और मुझे देखना है यहाँ पे बार तोपी को डीपी के स्प्रे से बहुत बढ़िया तरीके से नॉक किया गया, काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे फाइट देखने को मिल रही है। प्राइम यहाँ पे रिव देने आएंगे, स्टार बॉय भी साथ में आ रहे, एक ही घर के अंदर तीन बंदे घुसना आई थिंक बड़ी इनके लिए गलती होगी, देखते हैं। और यहाँ पे आई थिंक रेड हो
डेटा उसको नोक किया गया है। यहाँ पे डेड शॉट लार लेके जा रहे हैं शायद किल कंफर्म करने की पहले कोशिश करेंगे क्या यहाँ पे, और यहाँ पे डेड शॉट को भी यहाँ पे अब पूरी की पूरी यहाँ पे हमें ओपी की टीम को खत्म करता हुए दिख रही है। हाँ एएनवी की टीम की यहाँ पे फाइट हुई थी, मुझे देखना है उनकी फाइट अभी भी है या गई। हाँ इन्होंने भी यहाँ पे अपनी पूरी स्क्वाड टीम नंबर 12 को खत्म कर चुके हैं। यहाँ पे मिलिट्री का अब उनको पूरी लूट मिलिट्री की इनके पास होगी, शायद फ्लेयर गन भी इनको मिल जाए और अच्छी खासी लूट के साथ यहाँ पे से ही निकलेंगे। ओके अब यहाँ पे काफ़ी दूर दूर टीम है अभी के लिए, तो क्लोज रेंज कोई फाइट होने के ज़्यादा चांसेस हैं नहीं। ये शायद एड ऑफ यहाँ पे एम के विद ओग आ चुकी है और ये टीम सेरा के लिए काफ़ी सही है। एम डब्ल्यू जे ओ पी ने शायद मंगाई थी। देखना है सेरा जाट इनको सपोर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेरा की टीम की अभी एक किल है इनको, क्योंकि एक बंदा मिला था जिन्होंने इनको शॉटगन से मारा था काफी अच्छा था। और आई थिंक सेरा की साइड से वो निकल रहे हैं, जेओपी ने इनको सपोर्ट नहीं किया। उप भाई इतने ओपन में जा रहे हैं और ये जेरा भाई जाट भाई वहां देख रहे हैं और वो उनको अभी बंदा स्पॉट हो चुका है, डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं भाई, जस्ट बचे हुए हैं वो। अगर एक और स्प्रे सही तरीके से मार दिया जाता है तो वहाँ पे और यहाँ पे इसी के साथ जियो टू ओपी यहाँ पे नॉक होते हुए, और इनका एक बंदा काफी दूर घूम रहा है। ये भाई क्या कर रहे हैं, इतने दूर दूर घूम रहे हैं ये इतने बढ़िया कस्टम के अंदर। मुझे थोड़ा इनको समझ में नहीं आया इनका तरीका खेलने का, बट जो भी है भाई अब इनको वन मैन स्क्वाड के साथ खेलना पड़ेगा क्योंकि ये अपने बंदे को नहीं बचा सकते किसी भी हाल में। वो धर्मा की टीम सेरा की टीम को इसके साथ यहाँ पे एम के विद ओम वो मिल जाएगी, रोजा मिलेगी और यहाँ पे टीम नंबर इनकी फाइट हो सकती है, आई थिंक हो रही होगी। टीम नंबर 21 टीम नंबर 16 पी एक्स की टीम की भाई इन्होंने काफ़ी अच्छा मैं अब तक गेम दिखाया। ओजी की टीम यहाँ पे है, टीम नंबर 16 के बंदे 7 ओमी यहाँ पे हैं, काफ़ी अच्छा इन्होंने मतलब घेर रखा है एक प्रकार से ओजी की टीम को। यहाँ पे सेरा जाट ने एम टू को फिनिश कर दिया गया पूरा पूरा जे ओ पी को। पी एक्स की टीम ने तीन बंदे उस कंपाउंड के अंदर हैं, एक बंदा चर्च के ऊपर जाके बैठ गया। ओजी की टीम अगर यहाँ पे रोटेशन ही नहीं दे रही खड़ी हुई है, आई थिंक अनवर को अगर वो जरा सा चेंज करके व्यू देखें तो इनको ये एकदम क्लियर दिखेंगे, दिखने तो चाहिए पता नहीं, हाँ दिखने चाहिए बट उन्होंने कुछ चेंज किया। यहाँ पे असासिन भी इनकी तरफ आते हुए धीरे धीरे रोटेशन दे रहे हैं और इन पे यहाँ पे ओजी की टीम के ऊपर पूरा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक ये अच्छा 4v4 की ही सिचुएशन है यहाँ पे, मुझे तीन ही बंदे दिख रहे हैं यहाँ पे आसपास में, इनका चौथा बंदा कहाँ है मुझे वो देखना है। यहाँ पे तीन ही बंदे हैं, इनका चौथा बंदा आई थिंक पता नहीं कहाँ है, इनकी टीम का नंबर 21 है, मैं देखना होगा। ओके ये ऑफलाइन है, यहाँ पे असैसिन और ओज डेनजोई यहाँ पे आराम से रोटेशन देते हुए, अनवर उनके ऊपर ध्यान रखे हुए नज़र, उनको पता है कि उस साइड बंदा है, स्पाक को भी पता हुआ है। पीएक्स की टीम ने ओपन से रोटेशन आई थिंक नहीं ओपन से रोटेशन नहीं दे रहे, काफ़ी अच्छी से रोटेशन यहाँ पे लगाई जा रही है क्योंकि ये बंदे दो घरों के अंदर खासकर स्क्वाड हाउस के अंदर हैं और एक बंदा इनसे काफ़ी अलग है जो इनके लिए काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहेगा, बट देखते हैं ये किस तरह अपनी सिचुएशन को होल्ड करते हैं। यहाँ पे ये दोनों के दोनों एक ही रूम के अंदर पैनिक रूम के अंदर बैठे हुए हैं। अभी सेरा जाट के पास दूसरा एयरड्रॉप आते हुए और उनमें ओम विद एटैक्स है, यहाँ पे अगर ये लूटा जाता है तो हमें ओम का यहाँ पे शॉट देखने को मिलेगी। यहाँ पे राजदीप ओपी की फाइट आई थिंक हुई है किसी के साथ, नहीं यहाँ किसी के साथ इनकी अभी कोई फाइट नहीं है, थोड़ी दूर है आरटीवी की टीम, वो यहाँ पे घरों के पास रुकी है काफी सही है, शेल्टर हाउस के पास रुक के। ओके यहाँ पे अभी भी इनकी फाइट चल रही है, काफ़ी लॉन्ग रेंज फाइट चल रही है और यहाँ पे एम डब्ल्यू के ऊपर शायद रस हो सकता है बट देखते हैं। यहाँ पे लॉन्ग रेंज फाइट चल रही है टीम नंबर 18 और रेंज के दोनों के बीच, और यहाँ पे ओजी नोक को नोकर जोकर को नोक किया गया। यहाँ पे पीएस की टीम अब पूरी घुसेगी और यहाँ पे पूरा अजैसिन का भी रोटेशन धीरे धीरे लगता है और यहाँ पे स्प्रे मारा गया अनवर के ऊपर बट ये स्प्रे काम नहीं आया कुछ भी ज़्यादा,
बट उनपे दबाव बना हुआ है क्योंकि अब वो टू मैन स्क्वाड खेलेंगे, उनके एक बंदा पहले से ही ऑफलाइन था और एक बंदा यहाँ पे नोक हो चुका था, तो इन पे काफी ज्यादा प्रेशर है अस्पाक और अनवर के ऊपर कि वो किस तरह हेल्डर करते। और अस्पाक ने अच्छा खासा डैमेज दिया बट इनको ट्रेड के अंदर भी डैमेज मिला। इनको हेल्थ लगानी चाहिए आई थिंक, और जल्दी से हील होके फुल फाइट पे इनको ध्यान देना होगा। यहाँ पे राजदीप ओपी ने आईटी ड्रैगन को नॉक किया, काफी अच्छा है यहाँ पे फाइट उनके बीच में देखने। आईटी ड्रैगन को यहाँ पे फिनिश कर दिया गया फेस सीट की तरह, यहाँ पे जोकर को भी नॉक किया गया। मैं राजदीप के यहाँ पे असैसिन ओपी ने असैसिन ओपी को ही नॉक किया, पीएक्स अमीगो को नॉक। वहाँ पे पीएक्स की टीम के साथ भी काफी बुरा हो चुका है और यहाँ पे फेस की टीम ने इनको फिनिश कर दिया। मैं मुझे वो फाइट देखनी है जल्दी से। यहाँ पे नोकर जोकर नोक पड़े हुए हैं, यहाँ पे असैसिन नोक है, अमीगो नोक है, एक नेड से दो बंदों ने खुद के ही बंदों को नोक कर दिया गया है। यहाँ पे काफी ज्यादा बुरा हुआ इनके साथ। ओके इन्होंने भी पोजीशन चेंज कर लिया, अस्पाक ने अलग घर होल्ड कर लिया यहाँ पे इसको हवेली टाइप का करके, और अनवर यहाँ पे आराम से इसके घर के पीछे वॉल के बैठे हुए हैं देख रहे हैं। सीएस असैसिन ओपी जोकर यहाँ पे पूरे ब्लड ब्लीड आउट हो चुके हैं। अभी किसी और की फाइट होना नामुमकिन सी चीज़ है क्योंकि यहाँ पे डीमन आई थिंक इनको ब्रिज ब्लॉक कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लूट रहे हैं और डीम ब्रिज ब्लॉक नहीं कर रहे। फ्लैश टीम है क्या इसमें भाई, देखता हूँ मैं अभी बताता हूँ आपको। फ्लैश फ्लैश एफजी एक्सेन रेगल सेरा टीआई फ्लैश 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 आई थिंक नहीं फ्लैश नहीं है भाई आज, आज फ्लैश की टीम नहीं आई। और यहाँ पे रोटेशन देते हुए और यहाँ से शायद निकलना चाहेंगे अपनी, क्योंकि टू मैन स्क्वाड बचे हुए हैं, पहले ही इनका एक बंदा ऑफलाइन है और यहाँ पे थ्री मैन ये स्कूटर भी खड़ा हुआ है, यहाँ से निकल लेंगे आराम से। और यहाँ पे इनको एम टू के देखते हुए और उस पर स्प्रे मारा गया, वो रुके हुए उन्होंने भी गाड़ी रुकी हुई है। यहाँ पे आई थिंक पुश होगा फेथ की टीम की, क्योंकि फेथ का आज गेम प्ले मुझे काफी अच्छा देखने को मिला है। यहाँ पे राजदीप भाई के भी एक किल है, काफी अच्छा ओपी खेल रहे हैं आज ये। और यहाँ पे इसके साथ में स्पाइडी का क्या हेडशॉट मारा कार 98 से ओपी। और आई थिंक ये प्रिजन साइड का ही जोन बनेगा ओपन का, देखते हैं कैसी हमारी जोन प्रिडिक्शन होती है आज के दिन। और 5 किल के साथ यहाँ पे फेथ की टीम काफी अच्छी पोजीशन के अंदर दिख रही है। आईएनवी की फाइट हुई किसी के साथ मुझे देखने को मिल रहा है। ओके टीम नंबर 8 के साथ यहाँ पे आईएनवी की फाइट हो चुकी है एक्सएन के साथ, और यहाँ पे एमके का यूज कर रहे हैं विद एटैक्स, सिंगल टैप का यूज कर रहे, डीएमआर का बहुत बढ़िया काम होगा, देखते हैं। आईएनवी आंसू यहाँ पे M24 के साथ में M249 काफी अच्छा कॉम्बिनेशन ये भी लिए हुए हैं। और रोने भाई के पास तो हाँ एमके थी मुझे याद है, सॉरी डीपी विद M762। और यहाँ पे यहाँ निकलती हुई टीम नंबर 8, और यहाँ पे स्प्रे दिया जाएगा क्या, यहाँ पे स्प्रे से किसी बंदे को उतारा जा सके या नहीं उतार सकते, नहीं उतारा अभी तक तो कोई नहीं गया है बट देखते हैं। प्ले जोन से आमिर खान भी नोक होते हुए, योजी के ऑफलाइन वाले बंदे हैं। टीम एक्शन यहाँ से निकलती हुई आराम से विदाउट एनी कोई भी अपने बंदे को लॉस किए हुए निकल रही है आराम से, सही है इनका भी काम। टीम नंबर 7 क्या कर रही है मुझे ये देखना। टीआई प्रिंस यहाँ पे टीआई की फाइट हो चुकी है, यहाँ पे टू मैन स्क्वाड है और इन्होंने फाइट ले रखी है रीगल के बंदे साथ। रीगल काफी अच्छी तरीके से मारा गया और यहाँ पे नो भाई क्या बोलते हैं रीगल प्रिंस ने, यहाँ पे नो करेंगे ताकि इनके हाथ में किल हो सके। यहाँ पे रीगल हल्क वाइटी क्या करते हैं हमें ये देखना है। ओके बहुत कम है कोस्ट की, तो अगर यहाँ पे प्रिंस रस करते हैं तो उनकी हेल्थ भाई ना के बराबर है। ओके मुझे देखना है, यहाँ पे रीगल होस्ट को नॉक कर दिया गया, अकेले हेल्थ फाइटिंग के ऊपर पूरा पूरा दबदबा आ चुका है उनकी टीम के लिए। यहाँ पे 1v2 की सिचुएशन बन चुकी है इनके लिए, और यहाँ पे रस होता हुआ टीआई की टीम की तरफ से। नेट अगर यहाँ नेट आता है तो इनके लिए बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज हो जाएगी, और यहाँ पे नेट कुक करते हैं इनको पता है। और इसी के साथ यहाँ पे हेल्प आईडी का भी काम तमाम करते हैं।
देखते हुए टीआई प्रिंस काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखते हुए यहाँ पे हमें दो बंदों का भी टीआई की ने दिखा दिया कि वो टू मैन स्क्वाड है, बट पूरी स्क्वाड को ये खा सकते हैं। इनके साथ ही 4 किल हो चुके हैं इनके भी। ओके यहाँ पे सेरा की ओर से टीआई बॉन्ड के ऊपर बहुत बढ़िया एमके का प्रयोग करते हुए यहाँ जाट ने इनको नॉक किया। आई थिंक इन पे डायरेक्ट पुश होगा इतना मैं श्योर हूँ। यहाँ पे ब्रिज के ऊपर स्प्रे मारते हो रहे हैं, इसका ब्रिज का भी काम तमाम करते हुए यहाँ पे सेरा की टीम ने 4 किल करते हुए इसी के साथ अपना काफ़ी अच्छा विशाल का स्प्रे देखने को मुझे मिला विद दैट रेड डॉट। और यहाँ पे टीम नंबर 24 और टीम नंबर फेथ की शायद आई थिंक फाइट हो चुकी है। हाँ फेथ की फाइट हो चुकी है, गाड़ी लेके शायद अच्छा वो रोटेशन देने की कोशिश दिखा रहे हैं कि हम निकल रहे हैं, बट वो निकले नहीं है यहाँ से। और ये नेड किया गया, क्या ये कनेक्ट होगा? नहीं, किसी से कनेक्ट नहीं होगा ये नेड, काफी दूर था। और यहाँ पे राजदीप ओपी को यहाँ पे नॉक कर दिया गया, ये काफी उनके ऊपर दबाव पड़ेगा। यहाँ स्पाइडी सीड सब ने अपना अपना होल्ड कर रखा है, यहाँ पे अभी को थोड़ा सा डैमेज ही देते हुए। क्या यहाँ पे रस होगा या नहीं होगा ये देखना है हमें। अब तक तो फेथ की टीम काफी वो दिख रही थी, बट अब उनके लिए काफी मुश्किलें बढ़ती हुई क्योंकि उनके एक बंदा नॉक है और उनको रिव देने स्पाइडी जा चुके हैं। यहाँ पे सीड के ऊपर और अभी के ऊपर पूरा वो होगा कि अगर पुश होता है तो अभी काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, बट आई थिंक ये उनके लिए बुरा भी हो सकता है अगर भाई अकेले बंदे हैं इस साइड में और अगर कोट होते हैं तो और दबाव बढ़ जाएगा इनकी टीम के ऊपर। और ये नेड कुक करके फेंका जा रहा है चिराग की तरफ, बट नहीं चिराग को ये नहीं कनेक्ट हुआ। यहाँ पे अपनी हेल्थ लगाई जा रही है, नेड्स नेड्स की यूज की जा रही है। यहाँ पे टीम नंबर 14 भी धीरे धीरे इसी तरफ आती हुई, बट आई थिंक वो रुकेंगे नहीं, यहाँ से सीधा निकल रहे हैं। क्या ये करना क्या जा रहे हैं मुझे बस यही समझ में। अभी ने यहाँ पे रोटेशन दिया, शेल्टर के ऊपर जाकर चढ़ के चढ़ चुके हैं ये, उस साइड से एंगल बनाना चाहेंगे कि इनके पास 6x है भाई, ये नोक करेंगे पक्की बात है। धीरे धीरे अगर ये एकदम पेशेंस के साथ लेते हैं तो यहाँ पे सीड को भी नोक कर सकते हैं और काफी बंदों मतलब इनकी टीम को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। अभी और कहीं फाइट नहीं है, यहीं पर फाइट चल रही है। यहाँ पे डीमन वाई भाई ओजी की फाइट हो चुकी है, अस्फाक अनवर ये फिनिश हो गए पूरी पूरी ओजी की टीम को, यहाँ एक्शन की टीम ने खत्म कर दिया। धर्मा की टीम किसके साथ फाइट ले रही है मुझे ये देखना है, आई थिंक वहाँ पे कोई है नहीं। यहाँ पे राजदीप ओपी को किया गया, चिराग भी नोक है अभी, अकेले अभी बचे हुए जिनके ऊपर पूरा पूरा फायर आ रहा है। और भाई फेद की टीम ने क्या संभाला है अपने टीम के लिए, और यहाँ पे इनके साथ बहुत अच्छे नोक करा फिनिश पूरा किया गया। आईएनवी की टीम काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे आज, 5 किल से भी हो चुके हैं अभी तक। और यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज पड़ता हुआ है और यहाँ पे एक नेड आता है राजदीप की तरफ से तो दो बंदे नोक हो सकते हैं। और यहाँ पे नेड फेंका गया और ये काफी अच्छा नेड है, आई थिंक ये नोक होंगे, राजदीप नोक भाई होने से जस्ट बचे हैं। क्या परफेक्ट नेट था, बस थोड़ी सी टाइमिंग गलत हो गई अभी। और यहाँ पे सीट के ऊपर पूरा दबा दबा मंच गया क्योंकि उनके एकदम सामने बंदे हैं ये। यहाँ पे 3 मैन स्क्वाड पहले ही हो चुके हैं, यहाँ पे बी की टीम ने फाइट ली, मुझे देखनी है वो फाइट कर देने। ओपन के अंदर इन्होंने किसी को पकड़ा है और यहाँ पे काफी अच्छा मारा गया, बट अगर यहाँ पे हम बगी को ब्लास्ट करते तो आई थिंक इनको आराम से नोक हो सकते हैं। टीम नंबर 16 के 7 एमी डॉन जॉय, और यहाँ पे 2 मैन अपने डॉन जॉय को मुझे देखना होगा किस तरह अपने का आपको हैंडल करते हैं इनके। और इसी के साथ डॉन जॉय को भी यहाँ पे नोक कर दिया गया। पीएक्स के जिरान काफी दूर है अपने बंदे से, अमीगो भी
और यहाँ से वो निकलना ही चाहिए। फेथ सीड को यहाँ पे नोक कर दिया गया और आई थिंक फिनिश भी कर दिया जाएगा। अभी अकेले बचे हुए अपनी टीम के लिए देखते हैं, आईएनवी के रोय को शायद तो फिनिश हो जाएंगे। और यार इसी के साथ ये भी फिनिश हो चुके हैं। यहाँ पे फेथ की टीम के लिए आज काफी अनफॉर्चुनेट रहा, वो 11वीं पोजीशन के ऊपर यहाँ से निकले और ये मिल्टा पावर के ऊपर पूरा जोन बनता हुआ। यहाँ पे बीएफएफ और शायद आई थिंक टीम नंबर 14 और इनके अंदर लॉन्ग रेंज फाइट चल रही है। यहाँ पे शेरानी को टीम एफटी आउटलो ने यहाँ कार98 से नॉक किया। ओके यहाँ पे शायद आई थिंक रन हो रहा है और यहाँ पे डैमेज करते हैं उनको, सबसे वहाँ पे पता है इसलिए उन्होंने लगातार वहाँ पे टैप टैप का प्रयोग कर रहे हैं। आई थिंक जाट भाई बहुत बढ़िया चला रहे हैं यहाँ पे एम के, और आउटलो भी यहाँ पे लगातार पीक लेके बैठे हुए हैं ताकि एक जरा सा इनको एंगल मिले और यहाँ पे नॉक करे। तो 4x है इनके, बट काफ़ी अच्छा प्रयोग कर रहे हैं 4x का भी। यहाँ पे हनी को रिबिल चुका है, धर्मा की टीम जोन में आ रही है, टीम अभी अभी वहां से निकल गए हैं। प्लीज ये गालियां वालियां ना लिखें। क्या बोलती पब्लिक, यहाँ पे हमारे जोडविन भाई आ चुके हैं चैट के अंदर और यहाँ पे जाट भाई लगातार, और यहाँ पे हनी ने बीएफएफ लूसीफर को क्या बढ़िया होम का चक्का दिया है भाई साहब, बढ़िया। आई थिंक उनको बीएसपी टीम के ऊपर छक्के मार रहे हैं और भाई कनेक्ट नहीं हुई कोई भी बुलेट, बट इनको अब पता चल गया कि ये दोनों तरफ से गिर चुके हैं और इनको काफ़ी संभल के रहना पड़ेगा। और शायद यहाँ पे उनको स्पॉट हो चुके हैं क्योंकि वहीं पर हार्ले लेटे हुए हैं। छोड़ दे तो, और यहाँ पे पूरा जोन मिल्टा पावर को ही घेरता हुआ। धर्मा पीएक्स यहाँ पे टॉप टीम में आ चुके हैं और 31 बंदे हमें बचे हुए हैं फोर्थ जोन में। और यहाँ पे टीम बीएफएफ निकल रही है थोड़ा बड़ा डैमेज लेते हुए। यहाँ पे बी की टीम ने यहाँ पे किसी को नॉक किया बट इनकी शायद आई थिंक किल चोरी हो जाएगी अगर ऐसा ही जाता नहीं अपनी किल। काफ़ी ज़्यादा किल्स बढ़ोने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे बी की स्क्वाड को यहाँ पे सपोर्ट कर चुके हैं वो भी। और पीएक्स की टीम उन पे फायर क्यों नहीं लग रही मुझे ये देखना है, बट समझ में नहीं आया, जो भी है भाई उनकी मर्जी। यहाँ पे धर्मा ने एफजी के बंदे को नोक किया, धर्मा धर्मा की टीम कहाँ है मुझे देखनी है धर्मा की, वो धर्मा की टीम रही मुझे दिख रही है। यहाँ पे दो बंदे बचे हुए हैं एस और यहाँ पे 4x का स्प्रे मार के यहाँ कोशिश करेंगे कि उतारे, बट को नॉक किया है लाइन की तरफ से। यहाँ पे टीम एफटी वालों ने ओम अभी को अपने लास्ट बंदे थे उनकी टीम की ओर से उनको फिनिश कर दिया, कर यहाँ पे जोन में जा चुके हैं धर्मा की टीम। मान जा को तुम यहाँ पे शेरा जाट के ऊपर पूरा दबाव बना हुआ है क्योंकि वो एक प्रकार से यहाँ पे सैंडविच सिचुएशन के अंदर आते जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि पीछे बी की स्कॉट है, ऊपर पीएक्स की है, धर्मा की टीम भी इधर ही आ रही है और एफजी की टीम आई थिंक यहाँ पे सीधा रस करेगी और नहीं वो निकल गई, बट वो पीएक्स के टीम के अंदर महाकाल के ऊपर वो स्प्रे मार रहे हैं। और इसी के साथ पीएक्स अमीगो को यहाँ पे कैसे ट्रोमा भाई मैं बाद में बनाता हूँ आपको, मुझे पता नहीं एफ जी एस और यहाँ पे इसी ज़्यादा एफ जी की टीम को फिनिश, अरे इन्होंने किल स्क्योर किया बट यहाँ पे इनको पूरा फिनिश कर दिया गया, काफ़ी बुरा लगा मुझे ये देख के अभी। और यहाँ पे एफ टी डब्ल्यू की भी फाइट हो रही है कहीं पर, मुझे देखनी है वो फाइट भी। यहाँ पे टीम नेक्सन यहाँ नेड किया जा रहा है आउटलो की तरफ से, देखते हैं ये नेड कितना यहाँ पे एक्यूरेट होता है। और नहीं ये नेड नहीं लगा, किसी को कनेक्ट नहीं हुआ, बट अगर ये नीचे गिरते हैं तो इनके लिए ऊपर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये इनको देखना होगा।
यहाँ पे एफजी की टीम की फाइट हो चुकी है और यहाँ पे स्प्रे मारे जा रहे हैं गाड़ियों पे देख देख के, लेकिन कोई तो स्प्रे यहाँ पे कनेक्ट हो। बीएफएफ की टीम ने एक्शन के दो बंदे को ऊपर से धर लिया, आई थिंक तीनों बंदों को ही धर लिया उन्होंने। यहाँ धर्मा के सत्यगन बचे हुए हैं अकेले। यहाँ थ्री मैन स्क्वाड खेलती हुई धर्मा की पूरी टीम, हम टॉप सिक्स टीम के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे एफटी डब्ल्यू को बी की टीम ने, भाई क्या चल क्या रहा है, गाड़ियों से नोक किए जा रहे हैं। बी के तीन बंदे नोक होते हैं और अकेले बंदे के ऊपर पूरा दामोदर आ चुके हैं। सामने इनके दो बंदे और आई थिंक लूसीफर भी नोक की समान समझो। भाई क्या खेल रहे हैं टाइटन, यहाँ पे टाइटन की परफॉर्मेंस देख के हमें बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे अभी तक। अकेले आई थिंक उधर लूसीफर बचे हुए अपनी टीम की ओर से, दोनों ने अपनी हेल्थ लगा ली है और दोनों के बंदे ब्लीड आउट होते हैं। यहाँ पे नेड आया, आई थिंक ये नेड काफी अच्छा नेड किया गया और यहाँ पे उनके साथ उनका बंदा भी रिमूव होता है। और ये टाइट लूसीफर के लिए काफी बुरा रहा कि वो अब नीचे जा चुके हैं और उनके बंदे को वो नहीं बचा सकते, और भी नीचे जा चुके हैं भाई। और यहाँ पे क्या एक्शन के भाई बैठे हुए थे पूरा उनको नीचे गिरते हुए, और काफी ओपी उनका परफॉर्मेंस देखने को मुझे मिल रहा है। हम टॉप फाइव टीम के अंदर आ चुके हैं। धर्मा और सेरा की टीम की फाइट हो चुकी है। यहाँ पे आयरन के ऊपर पूरा आयरन पे पूरा स्प्रे मारा जा रहा है। आई थिंक ये भी थ्री मैन स्क्वाड खेल रहे हैं, ये जोन में भी है, इनको जोन के बाहर नहीं जाना चाहिए आई थिंक अभी। बट भाई रोटेशन दे रहे हैं, देखते हैं कैसे क्या करते हैं, पर इन्होंने तो बगी को एक्सपोज कर दिया एक प्रकार से। ये क्या करना चाहते हैं भाई यही जाने अभी तो। यहाँ पे बी की टीम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती हुई आ रही है, उन्होंने सेरा के बंदों को सपोर्ट कर लिया। यहाँ पे एनी के ऊपर कार98 का शॉट लेने की कोशिश की टाइटन ने, और यहाँ पे एक बढ़िया बहुत बढ़िया जरा सी हेल्थ बचे हुए हैं यहाँ पे। और आई थिंक ये सीधा रस करने वाले हैं, नहीं 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 सीधा रस नहीं कर रहे। ज़्यादा मोड बनाता हूँ मैं, फिर तुम लोगों की आवाज़ बंद हो जाएगी अपने आप। यहाँ ओम के हमें चटके देखने को मिल सकते हैं। बी की टीम, हेलो भाई, हाँ भाई भाई ओपी राजदीप भाई आज आपने बहुत बढ़िया खेला। यहाँ पे सेरा जाट को नॉक कर दिया गया है। यहाँ पे आई थिंक पुश होगा पूरी धर्मा की टीम, यहाँ पे पुश करना चाहेगी सेरा की टीम के ऊपर। अरे भाई थैंक यू भाई यार, काफी अच्छा ओपी आपका गेम देखने को मिला। यार सेरा की टीम धीरे धीरे अपनी पोजीशन का, ये मेरे को मना दो मोड भाई, भाई मनाऊंगा बस एक बार ये स्ट्रीम पूरी हो जाए, उसके बाद मैं मोड बना रहा हूँ, उसके बाद में गाली वाले देने वाले कोई नहीं मिलेंगे। यहाँ पे भी स्पार्क ने महाकाल के ऊपर बहुत बड़े स्प्रे मारते हुए और यहाँ पे महाकाल को नॉक कर दिया गया, और यहाँ पे इनको किल आई थिंक चुराई जाएगी सेरा की टीम की तरफ से लग रहा है मुझे ऐसा कुछ। और यहाँ पे नेड उड़ की कोशिश की जा रही है सेरा की टीम की तरफ से धर्मा के बंदे के ऊपर, बट कोई फायदा नहीं होगा। टाइटन ने यहाँ पे महाकाल की अपनी किल को पूरी पूरी सिक्योर कर ली। इसी के साथ शायद टाइटन की टीम की 8 किल हो चुकी हैं टोटल, भाई काफ़ी अच्छी की इनकी भी किल्स हैं। और यहाँ पे बी टाइटन सेरा विशाल को भी यहाँ पे नॉक कर दिया, अकेले आया आर्यन उनकी टीम की ओर से बचे हुए। अरे अभी भाई मोड नहीं बना रखा था, बट बना दूंगा मैं थोड़ी देर में। यहाँ धर्मा विशाल भी फिनिश हो चुके हैं, इसी के साथ पूरी पूरी धर्मा की टीम फिनिश हो चुकी है। अब यहाँ पे 2v कितनी टीम बंदे बचे हुए हैं, 3v4 की सिचुएशन बनी हुई है, देखते हैं कौन क्या करता है, अभी पता ही चल ही जाएगा कौन जीतता है आज की टीम। और ये नेट नहीं, कोई फायदा नहीं इस नेट का। और यहाँ पे टाइटन को नॉक किया गया,
हम सेकंड दो स्क्वाड वाइप या थर्ड स्क्वाड ने पुश करके दिया यार। हाँ भाई देखा था मैंने। और यहाँ पे भाई क्या एमके का प्रयोग किया जा रहा है, 5 किल है इस भाई की, विशाल भाई की, काफी अच्छा एमके का यूज कर रहे हैं। ओनली अकेले बंदे बचे हुए हैं उनकी, देखना होगा मुझे किस तरह वो अपनी फाइट को कंटिन्यू करते हैं, 1v4 की सिचुएशन को अपने फेवर में करने की कोशिश करेंगे। और इनको सपोर्ट कर चुके हैं, और इसी के साथ में यहाँ पे दर आज भाई सेहरा की टीम ने अपना चिकन डिनर लेते हुए यहाँ पे 10 किल के साथ काफ़ी ओपी उनका गेम प्ले। टीम नंबर सेकंड A4 स्पाई की 0 किल्स, बी की टीम के 9 किल्स, और धर्मा की टीम के 2 3 किल्स, XN की टीम के यहाँ पे 3 किल्स, और टीम नंबर 6 इसके किल हैं 4 और 6 किल्स। काफ़ी ओपी हमें गेम प्ले सभी की तरफ देखना पड़ा। हम मिलते हैं अभी आपको सेकेंड मैच के अंदर।